बात बिहार की करेंगे, जहां पर हिंसा के बाद सियासी हंगामा बरपा हुआ है। विधानसभा में नारों का जोर है और एक दूसरे के खिलाफ आरोपों का शोर है। बीजेपी नीतीश कुमार को घेर रही है तो बिहार की सरकार आरोप लगा रही है कि बीजेपी राज्य का माहौल खराब करने की कोशिशों में लगी हुई है। यह रिपोर्ट देखिए। पुलिस को खदेड़ खदेड़ कर पीटा जा रहा है। ये व्यवहार हो रहा है विपक्ष के। बिहार से आई इन तस्वीरों में 2024 के समर की प्रस्तावना लिखी है। पहले हिंसा की तस्वीरें सामने आईं और अब हिंसा पर विधानसभा में बवाल हो रहा है। ये व्यवहार हो रहा है विपक्ष के। विपक्षी विधायकों को उठा उठाकर सदन से बाहर ले जाया जा रहा है। हिंसा के खिलाफ बीजेपी का गुस्सा फूटा है। महागठबंधन सरकार के खिलाफ पार्टी अपने आक्रामक रुख से टस से मस नहीं होने का मन बना चुकी है। पुलिस को खदेड़ खदेड़ कर पीटा जा रहा है। पूरा बिहार नहीं देश देख रहा है। महोदय सरकार को उस पर भी जवाब देनी चाहिए। आज महोदय वरीय पदाधिकारियों द्वारा बिहार के सरकार के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उस पर भी सरकार की जवाब नहीं है। महोदय मंत्री इजराइल मंसूरी पर कागज लिया गया, मुकदमा क्यों नहीं किया गया? महोदय रामनवमी के मौके पर बिहार शरीफ सुलगा सासाराम में भी हिंसा हुई। बीजेपी आज सदन में नीतीश से जवाब मांग रही थी इसी बात पर। हंगामे के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैमरे के सामने आए और उनके निशाने पर साझा तौर पर बीजेपी और ओवैसी थे। एमआईएम क्या चीज है? वो बिल्कुल जो केंद्र में है रूलिंग उन्हीं का वो एजेंट है, समझ गए कि नहीं? अब उसको दे दिए हैं, अब कितना छपता बोलिए। आप जरा बताइए कि जिन जिन पार्टियों के बड़ी संख्या में एमपी हैं उनका कोई न्यूज छपता है? आप बोलिए इसका कितना न्यूज छपता है देश भर में, आप जरा बताइए। तो इसी से पता चल जाता है कि एजेंट किसका है, कहां न्यूज छपता है, कहां का रहने वाला है और यहां क्या उनका है, कुछ है? तो यह तो बाजाबता उनके खास है और जानबूझ करके कहा कि कुछ हम लोगों पर भी बोलते रहो हल्का फुल्का। नीतीश कुमार यही नहीं रुके, बिहार शरीफ और सासाराम में हुई हिंसा के पीछे गहरी साजिश बताई। कहा जिसने भी साजिश की है उसका पर्दाफाश होकर रहेगा। बिहार शरीफ में जो हुआ वो एक साजिश का परिणाम था या प्रशासनिक लापरवाही थी? नहीं नहीं, प्रशासनिक तो नहीं है, वो तो एक एक चीज पर नजर रखी गई है। कभी यहाँ पर कुछ होता ही नहीं, सबका अपना अलर्ट रहता है और कहीं अचानक कुछ किया है तो उसको लेकर के बाकी पूरा का पूरा प्रशासन अलर्ट, हम लोग पूरा देख रहे हैं, पूरे तौर पर है उसमें प्रशासन। वो जानबूझ करके कुछ किया है घटपथ इधर। जो मुख्य आरोपी उनको पता चल जाएगा, लगा हुआ है सारा प्रशासन के लोग, सब लोग लगे हुए हैं। एक एक तरफ अब शांति है, कहीं कुछ नहीं। नीतीश कुमार ने बीजेपी पर हमला बोला तो बिहार के डिप्टी सीएम ने भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया। पूरा साजिश ये करवाया गया है, पूरी तरीके से ये प्लान है, आगे भी और इसकी तहकीकात जो है वो की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी भी बात हुई थी जब ये घटना हुई, जिस दिन डीजीपी साहब से बात हुई, लगातार हम लोग जो है फॉलो अप कर रहे हैं। तेजस्वी के साथ ही बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। कहा बीजेपी ही दंगे करा रही है। बीजेपी करवाया तो बीजेपी करवाता है, बीजेपी हाला करता है। बताते चले कि बिहार में हुई हिंसा के साथ ही नीतीश कुमार के इफ्तार में शामिल होने को लेकर भी विवाद गहराया है। बीजेपी नीतीश पर तुष्टिकरण का आरोप लगा रही है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे लेकिन बिहार के हिंदुओं के कॉस्ट पर ना देखे। बिहार इनकी स्थिति तो यही हो रही थी, पीएफआई का प्लानिंग चल रहा है, पूरे बिहार को 2047 तक इस्लामिक स्टेट बनाने का।
इन्हीं के संरक्षण में हो रहा था ना। तो ये ख्वाब अब तो दफ्तर भी मस्जिद में खोल दें तो कौन बड़ी बात। नीतीश बार बार कह रहे हैं कि विपक्षी दलों से उनकी बातचीत चल रही है, गाहे बगाहे उनके नेता उन्हें पीएम का उम्मीदवार बताते रहे हैं, लेकिन नीतीश क्या सोच रहे हैं वो खुलकर नहीं कह रहे। अब जब हिंसा पर हंगामा बरपा है तो मान के चलिए कि 2024 में ये मुद्दा और बड़ा होकर सामने आएगा। शशि भूषण कुमार के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक।